और बड़ी खबर है 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी और अब से 2 साल पहले से कहा जा सकता है कि संजय सिंह को पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चुनावों को दी गई थी। लगातार वो भी काम कर रहे थे और अब खबर यह है कि 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब से कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई है। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है। इस सूची में डॉक्टर भी हैं और हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निखिल, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया यूपी में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पहल की है। सबसे पहले उसने अपने 100 संभावित उम्मीदवारों का की जो सूची है वो जारी की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ किया है ये सभी 100 संभावित उम्मीदवार हैं जिनका चयन किया गया। आने वाले समय में तय किया जाएगा कि ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बहुत पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया आम आदमी पार्टी ने। ऐसे में कोई विवाद ना हो, भविष्य में पार्टी में कोई गड़बड़बाजी ना हो, इसको लेकर ये भी साफ कर दिया है कि अभी सभी ये 100 संभावित उम्मीदवार हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, बेहतर काम करेंगे और चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आने वाले समय में पार्टी ये तय करेगी कि इनमें से कौन से लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, यानी कहीं अगर संभावना होती है किसी उम्मीदवार को बदलने की तो आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया फिलहाल।